नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर, फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 17 की तृणमूल प्रत्याशी मिली सिन्हा जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। शनिवार सुबह उन्होंने अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार शुरू किया। उनके साथ वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मंत्री गौतम देव भी उपस्थित रहे। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 40 के तृणमूल प्रत्याशी राजेश प्रसाद शाह ने अपने समर्थकों के साथ प्रचार प्रसार शुरू किया। लोगों के घर घर जाकर उनके समर्थन के लिए उनसे आश्वासन लिया। साथ ही उन्होंने नगर निगम चुनाव में अपनी जीत का दावा भी किया है। कोरोना को फैलाने से रोकने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने शनिवार सुबह ओल्ड मालदा नगर पालिका के सभागार में विभिन्न वार्ड के समन्वयकों के साथ और नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नगर पालिका के विभिन्न वार्ड में साफ सफाई बनाए रखने की आवश्यकता और लोगों को जागरूक करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। फिरोजपुर नवोदय वेलफेयर सोसाइटी और चेन्नई के उद्दाभू करंगल नामक संस्था की मदद से 11 साल बाद मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को घर लौटाया गया। छोटे भाई ने बताया कि बड़े भाई को 30 मार्च 2010 को लापता हुए थे। उनकी पत्नी संगीता ने 2014 में इंग्लिश बाजार थाने में FIR दर्ज कराई थी और 11 साल बाद संस्था की मदद से वह घर लौट पाए। शनिवार सुबह वार्ड नंबर 27 के CPM प्रत्याशी सुदीप भट्टाचार्य चुनाव प्रचार से निकलकर रेड वॉलंटियर के साथ कोरोना का काम करने के लिए पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं। वार्ड नंबर 27 से सभी घरों को सैनिटाइज किया गया। उनके साथ भारी संख्या में CPM नेता व समर्थक मौजूद रहे। नगर पालिका प्रशासन द्वारा जलपाईगुड़ी शहर के विभिन्न स्थानों पर कोरोना टेस्ट की व्यवस्था की जा रही है। नगर पालिका ने शनिवार को जलपाईगुड़ी के बहु बाजार से सटे इलाके में रैपिड टेस्ट शुरू किया। जो लोग बिना मास्क पहने बाजार या अस्पताल के क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं, उनका कोविड टेस्ट किया जा रहा है। जलपाईगुड़ी शहर के अलग अलग इलाकों में पिछले कुछ दिनों से यह कोविड अभियान चलाया जा रहा है। सिलीगुड़ी में ठाकुर नगर रेल क्रॉसिंग के पास एक अचानक ट्रक में आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पता चला है कि ट्रक का चालक ट्रक खड़ा कर दुकान में पानी लेने गया था। तभी उसने देखा कि ट्रक पे इंजन से धुआं निकल रहा है। बाद में दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगी के कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इंजन में खराबी के कारण आग लगी होगी। सिलीगुड़ी महाकमा के नक्सलबाड़ी ब्लॉक से SSB ने 4 किलो गांजे के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, जिसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है, जो नेपाल का निवासी बताया जा रहा है। आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। चोरी के आरोप में विधान नगर पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। शुक्रवार की रात गुप्त सूचना के आधार पर विधान नगर पुलिस ने सिलीगुड़ी महाकमा के विधान नगर प्रखंड में छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में महबूब आलम, मोहम्मद साजद और मोहम्मद रशीउल शामिल है। फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इसके लाइव। Damrose celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damrose showroom or damroindia.com. DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ।
घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्ट्स, पानी टंकी मो, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106।